कल शाम को बरसात हो रही थी तो मैं किसी दुकान पर रुक गया। चाय की दुकान थी और वहां पर कुछ लोग और बैठे हुए थे और उनमें से एक लड़का काफी ज्यादा मुझे सिंसियर लग रहा था, तो वो आपस में बातें कर रहे थे। तो दुकान वालों ने कह रहा था कि यार तू घमंडी हो चुका है, ये सब तुम्हारी मोहल्ले के लोग मुझे कहते हैं, तू आजकल किसी से नहीं मिलता वगैरह वगैरह, ताना देते हैं, टेंशन देते हैं। तो मैं इस चीज को बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर उस लड़के के पास उस आदमी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको अच्छे से समझाऊं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई तुम करते क्या हो, उस सज्जन लड़के से पूछा मैंने, भाई तुम करते क्या हो। उसने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने दोस्तों से या किसी और से मिल सकूं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्त तो आपकी निंदा करते हैं। उसने कहा हाँ वो पता नहीं क्यों करते हैं। मैंने इसे कहा वो क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। और वहां जितने लोग थे ना, 5, 7, 8, 10, वो सब लोग मुझे देखने लग गए और मैंने उसे समझाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि लोग आपसे जलेंगे, कैसे जलेंगे उदाहरण देता हूं। जो लोग आपको नीचे गिराने की सोचते हैं ना, कभी टेंशन मत लेना। हाथी जो होता है ना, हाथी हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की। अच्छा एक बात समझाता हूं, किसी गांव में एक हाथी आ जाए तो गांव के सभी बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं वो हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, जय हो गणेश जी महाराज की। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा होगा जिसके आगे इतने सारे हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते हैं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं वो किसी और के नहीं लगे रहते हैं। गलत नहीं कह रहा, जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते हैं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं ना वो किसी और के नहीं लगे रहते। गांव भर के बड़े बूढ़े हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साला मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ नहीं आती और उनको हमारी बात समझ नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम उनसे पूछते भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते हैं, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। कुत्ते बोलते हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों भैया? बोले एक ही बात बोलते हैं, हमें जो इसके आगे हाथ जोड़े वाले जो लोग हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी। स्तुति करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको लोग आपको ताना मारे टेंशन दे, आप अपने मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं साले, और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन आप देखो हाथी को, देखो उसकी चाल मस्त बनी रहती है, मस्त बनी रहती है। क्यों? वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? आप आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का गोल सेट करो। जो पीछे जो खींचने वाले होते हैं ना, वो सीढ़ी चढ़ते हैं, टांग खींचते हैं, वो कम नहीं है जिंदगी में, बहुत है। उनको देखो मत,
अपनी चाल में मस्त रहो। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसे लोग सब जगह मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, इस वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहता हूँ।